तो दोस्तों हमारे झींगा फार्म पर ये बच्चे जो हैं ये आ चुके हैं मछली के। तो इस तरह का बॉक्स आया है, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये पैकेट है। एक पैकेट के अंदर इसके अंदर 2615 बच्चे हैं और टोटल ये 13 डिब्बे हैं। एक डिब्बे के अंदर ऐसे 5 पॉलीथीन हैं, यानी कि लगभग 170,000 के तकरीबन इसमें डब्बे हैं। यहाँ पर 14 नंबर पानी के लिए है और उधर आप देखेंगे वो डब्बे जो रखे हुए हैं वो डब्बे 16 नंबर पानी के लिए हैं। ये है ऑक्सीजन सिलेंडर और उस टंकी के अंदर वो पानी डाल रहे हैं, इसके बाद ऑक्सीजन इसके अंदर प्रोवाइड कराई जाएगी। क्योंकि ये जो बच्चे आए हैं इन पैकेट के अंदर, ये सारे के सारे बच्चे 2 दिन से लगभग ऑक्सीजन के अंदर ही रखे हुए हैं, मतलब पानी डालकर उसके अंदर ऑक्सीजन फिल करके उसके अंदर रखे हुए हैं। तो बच्चे अभी स्ट्रेस में हैं, तो इसीलिए इस टंकी के अंदर पहले ये ट्यूब डाली जाएगी, ऑक्सीजन धीरे धीरे पहुँचेगी और अंदर जो है इसके तालाब का पानी डाला जाएगा ताकि वो इस पानी के फ्रेंडली हो जाएँ और उनको ऑक्सीजन भी मिल जाए। इसके बाद में उन बच्चों को जैसे जैसे कंडीशन उनका ऐसा बनता रहेगा फिर उन्हें जो है खाने पीने के लिए सामान भी दिया जाएगा, यानी अच्छा फीड दिया जाएगा और उसके बाद में उन्हें धीरे धीरे इस तालाब के अंदर रिलीज़ किया जाएगा। तो दोस्तों ये है ऑक्सीजन सिलेंडर, इससे यहाँ पे पाइप लगा दी इस टंकी के अंदर, इसके अंदर तालाब का पानी डाल दिया और ये देखिए ऑक्सीजन इसमें चल रहा है। और इसके अंदर आप बच्चा डालेंगे ना, ये देखिए बच्चा इधर धूप के सामने आपको दिखा रहे हैं, अब दिखाई दे रहा होगा 2615 बच्चे इसमें होंगे। अब इधर से झींगा उठाकर इसमें डालने का काम शुरू, चलाओ ऑक्सीजन, कम 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 कम। यहाँ से ये धो धो के भैया बाहर डाल रहे हैं ताकि कुछ बच्चे इसमें रह जाएं तो उसमें चले जाएं सीधे। और कम करो भाई जी, और कम बस ठीक है। अब जो थर्माकोल है उसको यहाँ पे रख के उसमें पानी भर दिया और इसको नीचे से जो है पानी धीरे धीरे अंदर गिर रहा है, इसमें छेद कर दिए हैं ठीक है। और इसमें पानी गिरता रहेगा लगभग 40-45 मिनट भैया, एक घंटा तक इसमें पानी गिरता रहेगा। ये तालाब का पानी यूज़ करना है, जिस भी तालाब में आप छोड़ रहे हैं, जैसे ये 14 नंबर पानी है तो 14 नंबर वाले बॉक्स में वही पानी डलेगा। जब आप हैचरी से मंगवाते हैं तो उनको बोल देते हैं कि हमारे को कितने बच्चे 14 नंबर पानी के चाहिए, कितने 16 के चाहिए, तो उसी के हिसाब से, जैसे वो 16 के हैं ये 14 के हैं, तो उसी के हिसाब से वो इन बच्चों को 1-2 दिन पहले रखना शुरू कर देते हैं। तो इसके अंदर ऑक्सीजन भी है और तालाब का पानी भी इसमें गिर रहा है ताकि बच्चा जो है वो इसके अकॉर्डिंग सेट होता जाए। एक सवाल आपका ज़रूर आने वाला है कि बच्चे कहाँ से आए, कहाँ से मंगवाए, कौन लाता है, तो वो अब देख लेते हैं। ये बच्चे जो हैं इन डिब्बों के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है ग्रेस श्रिम्प हैचरी, ये पांडुचेरी में है। और देखिए 16 नंबर पानी का है तो 16P लिखा हुआ है, उधर वाले डब्बे थे जहाँ पे भी वो डाल दिया है हमने उसमें 14P लिखा हुआ था ठीक है। और आए कैसे हैं तो ये देखिए इंडिगो कार्गो से आए हैं, ये तो पांडुचेरी से आए हैं बच्चे। अब ये मिनरल है ये हम उसके अंदर डालेंगे टंकी के अंदर जिसके अंदर ऑक्सीजन बच्चों को मिल रहा है ताकि थोड़ा थोड़ा फीड भी उन्हें मिलता रहे। और मिनरल का मैं दिखा देता हूँ भाई, ये वाला कोई है कोई सुपर पता नहीं करके, क्योंकि बाद में आप लोग कहोगे किसी का प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं कर रहे हैं हम, ये बस इसके अंदर डालते रहेंगे ऊपर से, अब टंकी में जाता ही रहेगा ये सारा का सारा मिनरल इसमें मिला देना है। और बाद में जो फीड देना है वो इस तालाब के अंदर ही देंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है लगभग 1 घंटे का है, 1 घंटे के बाद इन बच्चों को जो है इस तालाब में छोड़ दिया जाएगा। और भैया ये काम सुबह सुबह करना चाहिए ना, अर्ली मॉर्निंग ना, जितना जल्दी हो सके, पानी गर्म नहीं होना चाहिए। हाँ उस टाइम ये काम करना चाहिए जब पानी गर्म नहीं होना चाहिए, सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके। हमने भी कोशिश की थोड़ा जल्दी की लेकिन अभी सूरज देवता निकल चुके हैं। अब आप सोचेंगे कि इन बच्चों को हम इसके अंदर छोड़ेंगे कैसे, तो आप देखिए वो जो टंकी है ना
उसके उसके पाइप लगा देंगे और सीधा पानी में छोड़ देंगे, बस इतना सा प्रोसेस है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं।